फ्रेंड इलेक्ट्रिक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में मैं 300 वाट का मोनो एम्पलीफायर बनाना सिखाऊंगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी सर्किट प्लेट की, जो कि मैंने JLC PCB से बनवाई है। अगर आप भी इसको किसी कंपनी से या JLC PCB से बनवाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी गर्बर फाइल की, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यह फाइल वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी, जिसका पूरा तरीका मैंने वीडियो के आखिरी में बता रखा है। जब आप उस फाइल को अपलोड कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद कंपनी आपको प्लेट्स यानी कि PCB आपको भेज देगी। तो यह PCB मैंने मंगवा लिए हैं। अब इन PCB की मदद से मैं इसके ऊपर कंपोनेंट लगाकर आपको एम्पलीफायर बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 रजिस्टर लगाएंगे 5 ओम के। यह 100 ओम के 4 रजिस्टर हैं। ये 2 रजिस्टर हैं 22 ओम के। यह एक रजिस्टर है 2200 ओम की। ये 2 रजिस्टर हैं क्वार्टर वाट में 15K की। यह 2 रजिस्टर हैं क्वार्टर वाट के 100 किलो ओम के। और ये 2 रजिस्टर हैं क्वार्टर वाट में 1.8K की। यह रजिस्टर है 33K की। यह रजिस्टर है 1K की। छह रजिस्टर हैं 0.33 ओम और 5 वाट के। एक रजिस्टर है 10 ओम और 3 वाट। दो रजिस्टर हैं 47 ओम 5 वाट के। दो कैपेसिटर हैं 220 mFD 50 वोल्ट के। एक कैपेसिटर है 4.7 mFD 50 वोल्ट। दो कैपेसिटर हैं 470 PF के। यह 3 कैपेसिटर हैं 100 PF के। दो कैपेसिटर हैं 104 PF के। एक कैपेसिटर है 104 PF 280 वोल्ट का। और 4 ट्रांजिस्टर हैं 10-15 नंबर के।
अब इसके अंदर एक इंडक्टर लगाएंगे, इसको आप खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको 10 ओम के और 5 वाट के एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अंदर 22 नंबर की तार के 15 टर्न लगाकर आप खुद एक कॉइल बना सकते हैं और फिर इसके अंदर लगा सकते हैं। ये एक जीनर डायोड है 12 वोल्ट का। यह डायोड है जिसका नंबर है IN4007। ये एक ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है C229। यह तीन ट्रांजिस्टर हैं 2073। यह एक ट्रांजिस्टर है 9408। यहां पर एक जम्पर लगाएं। यह एक ट्रांजिस्टर है 1941 तोशीबा का। यह ट्रांजिस्टर है C5198। चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि jlcpcb.com वेबसाइट से पीसीबी को किस तरीके से बनवाया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड, आप वेबसाइट खोलें jlcpcb.com। उसके बाद जब वेबसाइट खुल जाएगी, आपको इस तरीके से इसके अंदर दिखाई देगा। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आप यहाँ पर डायमेंशन सिलेक्ट कर लें, अपने पीसी बोर्ड की क्वांटिटी कितनी चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेयर दो जितनी चाहिए आपको, उसके बाद थिकनेस, उसके बाद कोट नाउ पर क्लिक कर दें। इसके बाद फ्रेंड आपके सामने नई विंडो खुलकर आ जाएगी।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी गरबर फाइल की। गरबर फाइल आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें हमारी वीडियो है एक पुराने वाली, इसमें देखिए यहाँ पर डाउनलोड गरबर फाइल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद फ्रेंड यहाँ पर ये देखिए 5 बैंड इक्वलाइजर की गरबर फाइल है। इसका मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले रहा हूँ। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऐड गरबर फाइल पर करेंगे हम, और वो फाइल मैंने डाउनलोड कर ली है। इसको मैंने अपने डेस्कटॉप पर रखा है और डेस्कटॉप पर ये देखिए आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि गरबर फाइल JLC PCB के सर्वर पर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद आप PCB की चेंजेस कर सकते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया हुआ है, कैसा कैसा इसका स्क्रीन होगा, इसका साइज आ गया है। अब आप नीचे यहाँ पर लेयर डायमेंशन कितनी है इसकी, इसकी क्वांटिटी जितनी चाहिए 50, 100, 200, 300 उतनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। PCB की थिकनेस, PCB का कलर कौन सा चाहिए आपको, सरफेस लेड फ्री चाहिए या एनिग चाहिए या लेड के साथ चाहिए, कॉपर वेट, गोल्ड अगर आप गोल्ड की प्लेटिंग और आप गोल्ड भी यूज़ करना चाहते हैं बॉर्डर पर तो उसके लिए मटेरियल, और पैनल बाय JC PCB की अगर आप लोगो बनवाना चाहते हैं तो इस तरह की सेटिंग आप यहां पर कर दें। और इसके बाद आप यहां देखिए इसके राइट साइज में इसमें इसकी फ़ीस भी आ जाएगी, टोटल प्राइस कितना है। और अब आप इसको सेव टू कार्ट कर दें। जैसे फ्रेंड आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन अगर आपके पास गूगल की ID है तो गूगल की ID से आप लॉगिन हो जाएं, और मैं आशा करता हूँ कि आपके पास गूगल की ID तो होगी ही, तो मैं यहाँ पर गूगल की ID से ही लॉगिन होने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड लॉगिन हो चुके हैं हम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया है, अब सेव टू कार्ट पर क्लिक कर देते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड हमारे PCB यहाँ पर ऐड हो चुका है, कार्ट में आ चुका है। $6 का प्राइस है, और ये आप देख सकते हैं कार्ट में जो हमारा PCB है पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम चेकआउट सिक्योरिटी पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, जो मैंने डाल रखा है अपना सब कुछ पूरा एड्रेस यहाँ पर मैंने डाल रखा है। उसके बाद शिपिंग मेथड डालना होगा आपको, DHL से चाहिए, रजिस्टर्ड एयर मेल से चाहिए आपको, कैसे चाहिए। उसके बाद पेमेंट मेथड किस तरह से आप पे करेंगे, डायरेक्टली पे करेंगे इनको या फिर JPay, क्रेडिट कार्ड, जो सबसे सूटेबल सर्विस होती है, और पेपाल होती है, पेपाल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद आपको अपना PCB मिल जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इस तरह कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना, और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।